आज सर मिले हम लोग को यहाँ पे, हम लोग शूट पे आए थे, तो सर आप कुछ दो लाइन मेरे चैनल के लिए। जी बिल्कुल, नमस्ते, मैं दिनेश लाल यादव निरोवा और ये मेरे भाई हैं भवेश जी और इनका चैनल है स्ट्रगलर चैनल। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई के चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिले हमारे भाई को और इनका चैनल खूब ग्रो करे और ये खूब तरक्की करे, यही मैं शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। आज का कुछ दिन ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ जिम, आज मॉर्निंग में, वैसे मैं इवनिंग में जाता था बट आज मॉर्निंग में जा रहा हूँ क्योंकि शाम को शायद एक शूट पड़ जाए, तो इसलिए आज मॉर्निंग में निकल जा रहा हूँ कि जिम छूटे ना इसलिए, तो चलते हैं अभी जिम, उसके बाद जाते हैं जहाँ जाओ वहाँ वहाँ पर हैं। फाइनली रूम पे पहुंच गया हूँ, अब रेडी होना है और निकलना है और अब मिलता हूँ रेडी होने के बाद। ठीक, फाइनली मैं रेडी और अब मैं निकल रहा हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ ऑडिशन, तो चलते हैं वहाँ, जो होगा देखते हैं, जो भी होगा जा रहे हैं देख के आते हैं। Inches later. तो यहाँ आके आए तो अभी भी इन लोग के यहाँ अभी नॉन फेस का ही चल रहा था, बट मैं इनके पास दो तीन बार आ चुका था, तो उन्होंने मुझे 15 तारीख को बुलाया भी था, तो इन्होंने मेरा इंट्रो लिया और लुक टेस्ट जो भी किया, जैसे इंट्रो ही हुआ सिर्फ, तो इन्होंने कहा कि एक बार दो तीन दिन बाद फिर आ जाना, तो फिर तुम्हारा अगर लुक जाएगा तो तुम्हारा ऑडिशन और जो भी रहेगा ले लेंगे, तो एक दो दिन बाद फिर बुलाया उन्होंने, फिर देखता हूँ। तो अब मैं यहाँ खाओगे, एक बगल में पेनिनसुला है, सोच रहा हूँ वहाँ चला जाऊँ, उनके यहाँ भी परेशान, मतलब उनको भी मैं एक दो बार बता दूँ कि सर कुछ है कि नहीं, तो उसके बाद मैं रूम पे जाता हूँ क्योंकि मैं भी 2 बजे के बाद कॉल टाइम आ सकता है। जा रहे हैं रूम पे, चलते हैं। ये वीडियो इसलिए बीच में है क्योंकि अभी मैं आया था बैंक और मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ काम था नहीं, क्योंकि जो काम था वो हो रहा था और मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैं देखा कि मेरे कुछ क्लिप्स गायब हैं और ऑडियो मिसमैच हो रही थी, तो मैं कह लाओ यार बता ही दूँ यहाँ पे, तो तब तक मैं ये कर रहा हूँ और आगे कुछ और भी बताऊँगा, वो भी सुनना। आपने देखा होगा कि ये जब मैंने उस टाइम वो वाली वीडियो शूट की थी जब मैं जा रहा था शूट पर, तो कुछ पता नहीं कैसा हो गया कि वीडियो बनी नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, अब मैं उसको बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। और जैसे आप देखो स्टार्टिंग में क्या कहते हैं कुछ ऑडियो मिसमैच हो रही थी, तो इसलिए पता नहीं क्यों हो गया यार ऐसे जल्दी जल्दी मेरे ख्याल से हो रहा था। और आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि दिनेश लाल यादव निरोवा जिन्होंने कुछ बोला था, तो पता चल गया होगा कि भोजपुरी शूट था,
बट मेरे रूम के बगल ही था, मतलब रूम से 500-700 मीटर दूर था जहाँ शूट हो रहा था. तो मैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट गया था, ऐसे कोई बात नहीं थी, कुछ मेरा कोई रोल नहीं था, कुछ नहीं था, मैं सिर्फ ऐसा खड़ा था. तो मैं गया था एज अ एक्सपीरियंस के लिए भी गया था, ये भी सोच लो कि इसलिए गया था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था. तो गया, इन्जॉय किया, मज़ा आई, और आते आते बहुत लेट हो गया था. तो उसकी वीडियो भी बाद में पता चलेगा क्या हुआ था आगे. तो देखो क्या हुआ था आगे, जो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने की. कितना ज्यादा बेचारा थक गया. तो यार फाइनली शूट को, मतलब इस वीडियो को मैं दूसरे दिन सुबह एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार रात में आया और रात में मैं भी शायद 1:30-2 बज गए जाते थे. तो और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए मैं लास्ट का क्लिप नहीं बना पाया और मुझे सुबह उठ के मुझे आज बनाना पड़ रहा है. तो आप लोग ने देखा ही कैसा है. बस इस वीडियो को आज एंड करते हैं और आगे मिलते रहते हैं अगले 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 व्लॉग में.